सो हेलो एवरी वन आई एम वेरी वेरी हैप्पी वेरी प्राउड ऑफ यू कैसा लग रहा है अभी थैंक यू मैम थैंक यू बहुत अच्छा मैम और विशाल थोड़ा सा अपने बारे में बताओ बेटा आप ग्रेजुएशन किया है और कैसे इस जर्नी की शुरुआत की क्या मुश्किलें आईं और आप कैसे आगे बढ़ते गए मैम एक्चुअली मेरा एजुकेशन सब महाराष्ट्र से हुआ है और हाँ उसके बाद फिर ट्वेल्थ पास करने के बाद हमारे सीनियर पहले से पढ़ते थे के SME में किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी में उन्हों उनके थ्रू हम लोग डॉक्टर तिलोकीनाथ पांडे हैं उनके थ्रू हम हाँ लोग गए किर्गिस्तान में और उधर बहुत सारी मुश्किलें जैसे बर्फ और ये सब इसकी ये सब की वजह से बहुत सारी तकलीफें आई और उसके बाद फिर धीरे धीरे एजुकेशन फिर आप लोग का फैकल्टी आया उससे थोड़ा गाइडेंस मिला और उसकी तैयारी की वजह से आज क्लियर हो गया वेरी वेल डन विशाल बहुत ही अच्छा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आपके साथ बैठकर और विशाल मुझे ये बताओ कि आप हमारे साथ ऑनलाइन लाइव भी पढ़ रहे थे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बेटा मैम बहुत अच्छा रहा एक्चुअली बिस्केक में कोई इतना गाइडेंस था नहीं लेकिन आप लोग के थ्रू इतना गाइडेंस आ गया कि जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया बाकी क्या बोलते है। हैं हमारे माँ बाप और अंकल सबसे ज्यादा हमारे मेंटर विनोद दुबे मेरे अंकल और डैडी दिनेश दुबे इनकी वजह से आज इनके ब्लेसिंग से क्लियर हो गया मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही और आई थिंक प्लीज मेरे भी आप uh, अपने पेरेंट्स को रिगार्ड दीजिएगा आपके मेंटर को भी रिगार्ड दीजिएगा uh, sure uh, उन, 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 उनके सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल होता है आगे पहुंचना। जी जी मैम मेंटर तो चाहिए रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल और अब मुझे विशाल ये बताओ बेटा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी पढ़ाई करते हुए कैसे uh, क्लास करके नोट्स बनाते थे कैसे एमसीक्यू सॉल्व करते थे मैम जो आप लोग का क्वेश्चन क्यू बैंक था वो सब सॉल्व करते थे टाइम वाइज और उसके बाद फिर मैम जैसे सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करते थे सिक्स ओ सिक्स थर्टी से स्टार्ट करते थे और उसमें सबसे पहले एमसीक्यू करते थे और शॉर्ट सब्जेक्ट लेकर चलते थे शॉर्ट सब्जेक्ट रेडियोलॉजी और डर्मा साइको ये सब का रेपिड कर लिए उसको रखते ठीके? थे फिर

और जो आपने कंसिस्टेंटली एमसीक्यूज uh, भी सॉल्व आई थिंक उससे आपने थ्योरी और एमसीक्यू का अच्छा बैलेंस रखा है विशाल, nice. जी मैं, थियरी, अकेले थियरी पढ़ने से तो, तो इसलिए एमसीक्यू भी करना जरूरी था और आप लोग का एमसीक्यू थे पूरे टॉपिक्स के तो वो ज्यादा हेल्पफुल किया मैम अच्छा, बहुत अच्छे अच्छा विशाल बेटा आपने क्या वो भी देना शुरू किया था ग्रेस्ट जी मैम ग्रैंड टेस्ट वीकली ग्रैंड टेस्ट देता था जैसे संडे संडे रखता था कि संडे को ग्रैंड टेस्ट दे के और जितना आता है उसका जो रॉन्ग जाता था उसका एक्सप्लेनेशन से से ले लेकर सब मतलब एक दिन संडे पूरा ग्रैंड टेस्ट ही होता था मैम जी बहुत अच्छे और विशाल कभी कभी बीच में ऐसा भी लगा होगा कि नहीं हो पाएगा या मुश्किल है क्योंकि सब लोग आसपास पास यही बताते हैं कि मैम एक्चुअली बहुत ज्यादा ये लगता था डर लगता था कि हो पाएगा कि नहीं क्योंकि बहुत सारे सीनियर और लाइब्रेरी में देखने पे ये लगता था कोई पांच साल कोई दस साल तो इससे लगता था डर भी लगता था कि आगे क्या होना। लेकिन एक कांस्टेंट ये था घर वालों जो हमारे डैडी अंकल ये हैं तो इन लोग का भी ये नहीं था कि प्रेशर था एकदम रिलैक्स माइंड से जो होगा देखा जाएगा ये मोटिव लेकर चल रहे थे कि अब तो देना है ही एग्जाम हमें ही पास बड़ी। करना है और माइंड रिलैक्स करके कोई टेंशन ना लेके एग्जाम देने पे ये हुआ कि रिलैक्स माइंड से जो आता था वही माइंड काम कर गया और हो गया बिल्कुल और विशाल ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम सबको देख के सिर्फ डरते तो हम शायद कभी ये सोचते ही ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो सकता है लेकिन क्योंकि आपने अपने आपको पॉजिटिव रखा तो देखो आप ये भी कर पाए कि पहले अटेम्प्ट में निकाल भी पाए नहीं तो आप सही कह रहे हो कि बहुत बच्चों को बेचारों को लंबा समय भी लग जाता है और फिर प्रेशर बढ़ता रहता है तो आ, अपने आप को मोटिवेटेड रखना और पॉजिटिव रखना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है इस पूरी जर्नी जी मैम वही चीज है वही मैम और सर का मोटिवेशन वीडियो और ये सब देखने पे भी लगता था कि नहीं यार हो जाएगा एक बार करेंगे तो क्यों नहीं होगा पढ़े वही है तो उसमें से ही आना है तो होना क्यों नहीं है वो तो जाएगा तो ये मोटिवेट के दिए एग्जाम मैम और आप लोग की ब्लेसिंग से हो गया मैम बहुत अच्छे नहीं आपने भी बहुत मेहनत करी है और सब कुछ एक साथ करना आसान नहीं होता है जब आप बाहर भी हो मुश्किल भी है फैमिली से भी दूर हो सारी भी, भी खुद पे है तो इतना आसान नहीं होता है चीजें कर पाना और इस एग्जाम का पास परसेंटेज भी कम रहता है तो इसीलिए प्रेशर और भी बढ़ जाता है जी मैम इसलिए डर लग रहा था ना इससे पहले भी ऐसे ही पासिंग परसेंटेज डाउन थे और इस बार भी यही चल रहा था तो इसलिए थोड़ा और

एक बैलेंस स्ट्राइक करना है है ना मुझे लगता है ये नरेटिव हमें जी मैम जी मैम एक्चुअली मेडिसिन सर्जरी ये सबसे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं और ये सब स्किप करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि मैम आजकल सब इंटीग्रेटेड आ रहा है कोई सब्जेक्ट आप एक पर्टिकुलर उठा के नहीं बोल सकते मैम की नहीं इसमें से इतना पासिंग रहेगा इसमें इतने मार्क्स आएंगे क्वेश्चन ये है कि सब सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड है और एक बार पढ़ना चालू करेंगे माइंड में ये रखना है कि जो बड़े सब्जेक्ट है वो हमें ये लगना चाहिए कि हाँ आ, मुझे थोड़ा सा विशाल, आप ये भी बता सकते हो कि आपने एंड में बेटा रिवीजन कैसे किया क्योंकि बहुत बा, इस बार आपका एग्जाम जैसे पोस्टपोन भी हो गया था तो उस टाइम पे क्या होता है ना हम ट्रैक कई बार लूज कर देते हैं तो आपने कैसे फोकस रखा और कैसे रिवीजन किया बच्चे एक्चुअली तो जो, जो हमारी वीक थी जैसे स्ट्रॉन्ग करना है और ये माइंड में लेकर गए कि ये एक्स्ट्रा जो टाइम मिला इसको यूटिलाइज अभी कर लेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा तो हम उस समय हमने वीक सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देकर उसको रिवाइज करना चालू किया और जो पढ़ते थे उसको भी कुछ कुछ टाइम थोड़ा थोड़ा टाइम देख जैसे आधा घंटा एक घंटा उसको पढ़ते थे और बाकी जो वीक सब्जेक्ट थे उसको लगातार पढ़ते थे ये गैपिंग में और इसकी वजह से जो हमें हार्ड सब्जेक्ट लगते थे वो इजी हो गए और जो पहले से स्ट्रांग थे वो तो स्ट्रांग थे ही वेरी गुड अच्छी अच्छा किया बहुत बार लोग अपने वीक सब्जेक्ट से दूर भागते हैं और सोचते हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे मगर आपने उसको आगे से फेस किया वो बहुत अच्छा किया और विशाल मुझे बताओ क्या आपको लगा कि अपने नोट्स बनाने से और लाइव क्लास करने से आपको फायदा हुआ जी मैम वो तो बहुत ये बहुत हेल्पफुल था मैम आप लोग का बहुत ही ब्लेसिंग्स और ये सपोर्ट बहुत ये था मोटिवेशनल और ये सब बहुत आगे बढ़ने का यही पास होने का मेन रीजन यही सब है कि मां-बाप से लेकर आप लोग से लेकर सही गाइडेंस आ गया बचपन से अभी तक गाइडेंस मिलते गया और अब निकल गया कि हाँ, इतने साल का मेहनत अब जाके रंग लाया कि हाँ, हो गया मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और और विशाल आप कुछ और जो अब बच्चे का एग्जाम देंगे आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? है? मैम बस इतना मैसेज है कि जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनको इतना टाइम लगा के आप जहाँ हैं उधर से ही पढ़ के आए तो एक बार आसान रहता है कि उसका रिवीजन से लेकर सब आसान रहता है और बाकी छोटे सब्जेक्ट अगर रैपिड रिविजन कर रहे हैं तो वो भी इनफ है बाकी बड़े सब्जेक्ट पे थोड़ा ध्यान देकर करें और अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन रखें मोटिवेटेड रखें कि यार जब हम निकाल सकते हैं तो आगे जो आएंगे वो भी निकाल सकते हैं फर्स्ट टाइम में बस डरना नहीं है और माइंड फोकस रखना है और आपका प्लेटफॉर्म है ही मैम की गाइडेंस सही गाइडेंस मिल गई है तो उससे निकाल निकल जाएगा मैम बहुत अच्छे विशाल और मैं मैं दोबारा से आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी और ये एक नई जर्नी की शुरुआत है और आई एम श्योर आपके पास और भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगी और आप बहुत अच्छा करोगे थैंक यू वेरी मच मैम थैंक यू आपके पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन और वॉर्म रिगार्ड सेंडिंग ऑल द गुड विशेष टू यू विशाल थैंक यू वेरी मच मैम थैंक यू फॉर मेकिंग डैम्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी thank you thank you you too ma'am take care bye bye